हाथ ऊपर करो, वो यहाँ हाथ लगाए, वो यहाँ हाथ लगाए। अच्छा, हमारी औरतें, हमारी बहुएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, उनके छूने के लिए है। मुंबई के अंदर, पुणे के अंदर ऐसे कोरियोग्राफर अपनी कितनी ही लड़कियों को और बहुओं को लेके उड़ गए। इधर एक शादी हुई, उधर दूसरी शादी टूटी। वो कोरियोग्राफी करने के लिए रोज उस शादी के फंक्शन के लिए आता था। महीने भर तक उन्होंने घर की महिलाओं और बहुओं को सब सिखाया। उसी के अंदर एक बहू के साथ प्यार हो गया। इधर शादी निपटी, सेकेंड डे सवेरे वो इस बहू को लेकर रफू चक्कर हो गया, शादी कर ली उसने। समझ रहे हो आप, ये चीजें होगी। साड़ियां भी खुद पहननी सीखनी चाहिए। कोई फैशन डिजाइनर हमें साड़ी पहनाने आए और वो मर्द हो, अच्छा वो यहां तक हमें छुए और उसके साथ में हमारे घर का भाई हस्तमिलाप करेगा, सारा दिमाग खराब हुआ है क्या? क्या जरूरत है ऐसी? दादियों से पूछो, उनको किसी ने छुआ था क्या? मम्मियों से पूछो, किसी को छुआ था क्या, छूने दिया था क्या? अच्छी बहनों को कोल्हापुरी पहन के रखना चाहिए, तुरंत बाहर निकलना चाहिए, एक लगानी चाहिए, कम से कम दो दांत तो बाहर आ जाने चाहिए। नहीं आते हो तो मुझे कहो, मैं सिखाऊंगा आपको कैसे दांत बाहर निकालने चाहिए। इसीलिए अब ये अट्ठाई, ये ओली, ये सिद्धि तप, ये पलितना की यात्रा, ये नववाणु, ये उपजान तप पहले बंद हो। वो करें जिनको ये सब ना करना हो, जिनको डांडिया खेलना हो, जिनको कोरियोग्राफर को यहां सब हाथ लगवाने हो, इस प्रकार के नाच करने हो। अभी मैंने कुछ वीडियो देखे हैं जिसमें 65 साल 70 साल के दादा और दादी डांस कर रहे हैं, 70 साल के, फिर 45 साल के पप्पा और मम्मी वो भी डांस कर रहे हैं। किसके लिए? बिटिया की शादी है उसके लिए, शोभा देता है। 65 साल 70 साल के दादा और दादी डांस करें, अच्छा लगता है? अब टांगे तो कब्र में लटकी है और डांस करना है, कोई मर्यादा है या नहीं? अच्छा, डांस नहीं करने से शादी अच्छी नहीं होगी क्या? एक वीडियो नहीं बनेगा तो काम नहीं चलेगा क्या? क्या गंदी फिल्मों की धुनों पर दादा दादी को नचाना ही जरूरी है? कई सारे समाजों ने प्री वेडिंग शूट भी बंद कर दिए। पुरोहित समाज ने पाली के उस घोषणा पत्र के अंदर ये भी किया कि हमारे समाज के अंदर दूसरों की देखा देखी कोई प्री वेडिंग शूट नहीं होगा, कोई आवश्यक नहीं है। वेडिंग के बाद यानी शादी के बाद आप आराम से घूमो, आपका काम करो, लेकिन ये शोभाष्पद नहीं है। ये सब फिल्मों से, सीरियलों से आया है, क्या दिखाना है? और मुझे तो यूं लगता है कि हमारा बदन हमारे वीडियो के द्वारा इस प्रकार अर्धनग्न कपड़े पहने हुए, हाफ पैंट या इतना सा पहना हुआ नीचे, ऊपर इतना सा पहना हुआ, और फिर हम प्री वेडिंग शूट करते हैं और वो लोग देखते हैं, तो क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? आप दिखाना क्या चाह रहे हो? अच्छा, जो आपको दिखाना है वो आपके पति को दिखाना है कि दूसरों को दिखाना है? ये पति के लिए है कि दूसरों के लिए है? यानी आप एक सदाचारी मां बनना चाहती हो कि वेश्या रहना चाहती हो? करना क्या है, जाना कहां है, एम क्या है? उसी प्रकार पूछना चाहता हूं, जीटों की स्थापना हुई तो ये एम था क्या? कहीं जीटों के घोषणा पत्र में ये चीजें हैं क्या कि हम डांडिया रास का आयोजन करेंगे? स्थापना के दिन ही जीटों वालों को जूते पड़ गए होते। आज मेरी बात सत्य सिद्ध हो गई कि नए पद्मसागर जी महाराज ने बंदरों के हाथों में नारियल दे दिया, बिल्कुल दे दिया। जीटों में कई लोग ऐसे भी हैं जो सदाचारी हैं, समझदार हैं, आचार संपन्न हैं, मुझे मिलते भी हैं, अन्य महाराज साहब को मिलते हैं। कई माताएं भी ऐसी हैं जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में ऐसा कुछ किया नहीं है, विचारते भी नहीं है, लेकिन अपने यहां पर ये समूह जो है मिल करके माता फोड़ना, मेजोरिटी डेमोक्रेसी, मुझे ऐसा लगता है कि जैन समाज के कुएं में किसी ने भांग डाल दी है, सबको वही पानी सप्लाई हो रहा है, इसीलिए सामूहिक पागलपन सवार है। इस बीच में ऐसा कोई आदमी बोले तो उसकी बहुत कीमत नहीं, उसको लोग खारा समझते हैं, उसके प्रति लोग दुर्भाव रखते हैं, उसे पसंद नहीं करते। क्योंकि मुझे तो ये सब फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी की रोटियों का मोहताज नहीं हूं और मैं तो कफन पहन के निकला हुआ हूं पहले से ही, और मेरे कोई आगे रोने वाला नहीं, पीछे कोई धोने वाला नहीं, मैं इसकी फिक्र करता नहीं। मुझे कोई बहन बेटी की शादी करवानी नहीं है, मेरा कोई उपाश्रय नहीं, मेरा कोई मंदिर नहीं, मेरा कोई घर नहीं, मेरे कोई स्थान है नहीं, मैं कल कहां रहूंगा ये मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं कोई परवाह करता नहीं कि मुझे किसी प्रकार की गुलामी करनी है, बिल्कुल नहीं, नेवर। मैं तो सत्व के आधार पर जीने वाला आदमी हूं, जितने केस होने दें, जितने दुश्मन सामने आए आने दें, जिस मुकाम पर मौत होगी होगी, एक बार होगी, दो बार थोड़ी होती है मौत, एक बार होगी। और किसी के सर्टिफिकेट से मुझे कोई स्वर्ग या मोक्ष थोड़ी मिलेगा, तो क्या फर्क पड़ता है कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, कुछ भी कहे। इसीलिए मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे चिंता है समाज की। भगवान महावीर का समाज चिंता रहा, वो पवित्र रहा, अच्छा रहा, तो साधु साध्वियों का और हमारे सब कामों का कोई व्रत रहेगा।
अगर भगवान महावीर का समाज ही कमजोर पड़ गया तो मेरे एक के मजबूत होने से क्या होगा, मेरे एक के जिंदा रहने या लंबी उम्र पा लेने से भी क्या होगा। मैं व्यक्तिगत सफलताओं को समाज के सामने, धर्म के सामने महत्वपूर्ण नहीं मानता। मेरी व्यक्तिगत सफलताएं कितनी भी हों, अगर वो व्यक्तिगत सफलताएं मेरे समाज के लिए, मेरे धर्म के लिए उपयोग में नहीं आती है तो मेरा जीना हराम है। फुकट की रोटियां खा करके कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूँ सफलता का पहला मापदंड कि मेरा समाज सुरक्षित रहे, साफ सुथरा रहे, मेरा धर्म सुरक्षित रहे, साफ सुथरा रहे, ये आवश्यक है। आप जैसे लोगों को क्रांति करनी चाहिए, उठना चाहिए, पूरे बेंगलोर में ये हवा फैलानी चाहिए कि डांडिया नहीं होगा, कोई जीटो, कोई जीओ, कोई अन्य संस्थाओं के अंडर में नहीं होगा, उसके लिए संस्थाएं ना बने। जो जो लोग भी प्रयास करें आकर के मुझे कहिएगा, मैं आपके साथ में हूँ, तन से, मन से, धन से, और पूरी ताकत लगाइए। और खास करके मैं मातृशक्ति से कहना चाहूंगा कि उठो, हमारी बहन बेटियों को, हमारी आने वाली परंपराओं को हमको भ्रष्ट नहीं बनाना है, वेश्या नहीं बनाना है। जवानी के दिन तो चले जाएंगे, उनको लोगों के सामने नहीं थिरकाना है। वो गंदे गंदे फिल्मों के गीत क्या सिखाने हैं, क्या जरूरत है, और क्या क्या होगा, और वापस रात्रि भोजन होगा। इसलिए जीटों की भलाई इसी में है कि वो समझें, वो मर्यादा में रहें, वो ऐसे काम ना करें। वो आईएएस आईपीएस के लिए काम कर रहा है, वो बहुत अच्छा है, वो कीजिए। एजुकेशन के लिए, साधर्मिक भक्ति के लिए, मेडिसिन के लिए, या फिर साधु साध्वी के वैयावच यानी श्रमण आरोग्यम के लिए जो काम कर रहा है वो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इसके लिए वे अभिनंदन के पात्र हैं। लेकिन ये जो काम किया जा रहा है इसमें जो लोग भी लगे हुए हैं, बस इसी में शान है कि चुपचाप पीछे हट जाएं, ना करें, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर ऐसा ना हो कि हमको दूसरे कोई तरीके अपनाने पड़े बंद करवाने के लिए। ऐसी चीजें मान्य नहीं होनी चाहिए।